हेलो फ्रेंड्स, आप आए हैं गीताज किचन में। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, और वो भी बहुत ही हेल्दी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, चने का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनने जा रहा है, आप इसे ज़रूर बनाइए। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, चना उत्तपम। तो दोस्तों चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चने का बहुत ही बढ़िया नाश्ता। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3/4 कप मैंने काले चने लिए हैं। ये मैंने अच्छे से इसको एक दो बार धो लिया था, इसे भिगोया नहीं है। आप चाहें तो इसे भिगो भी सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी बनाओगे तो भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो दोस्तों चनों को धोकर मैंने इसमें बाउल में डाल दिया है, और अब इसमें हम डाल देंगे अदरक। तो अदरक अपनी स्वाद के अनुसार, या कम या ज़्यादा, जितना भी आप खाना चाहते हैं आप डालिए। तो मैं यहाँ पे करीबन आधा चम्मच के करीबन अदरक डाला है, और साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्ची, तो 1/4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, जीरे के साबुतदाने, और थोड़ी सी हम डाल देंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ में हम डाल देंगे लहसुन की 2-3 कलियाँ, और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच सूजी, और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो करीबन आधा कप के करीबन मैंने यहाँ पे पानी डाला है। तो रेसिपी के इस हिस्से को साइड पे करते हुए हम दूसरा इसका पार्ट तैयार करेंगे। तो पहले हिस्से को हम साइड पे करते हुए हम दूसरा हिस्सा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे थोड़े से प्याज, बारीक कटे हुए प्याज, अपने स्वाद के अनुसार प्याज को आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पनीर, मेरे पास पड़ा हुआ था तो पनीर को डाल दूंगी मैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन युक्त तो होता है, इसलिए मैं यहाँ पे पनीर भी डाल दे रही हूँ। तो पूरा वाला पूरा ही डाल देती हूँ मैं इसमें। तो 2 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पे पनीर डाला है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से दाने शिमला मिर्च के बारीक कटी हुई, थोड़ी सी मेरे पास लाल शिमला मिर्च भी थी तो मैं उसे भी डाल दे रही हूँ। तो करीबन 1 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, और इसमें हम डाल देंगे टमाटर, स्मॉल साइज का मैंने टमाटर लिया है, इसे भी हम बारीक कट काट के इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़े से पत्ते हम बारीक हरा कटा हुआ धनिया डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च स्वाद अनुसार। तो मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। एक चौथाई चम्मच मैंने नमक डाला है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, 1/4 चम्मच पाव भाजी मसाला इसमें डाला है मैंने, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस है तो आप इसमें वो भी आप ऐड कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ऐड करी। तो इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सबको। दोस्तों बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया नाश्ता बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, और बन भी बहुत जल्दी जाता है। बिना भिगोए ही आप चने से ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता तैयार कर सकते हो, और बहुत ही हेल्दी होता है। आप तो जानते हैं कि चने कितने हेल्दी होते हैं, तो किसी ना किसी रूप में इसे ज़रूर खाना चाहिए। तो देखिए इन सबको हमने मिक्स कर दिया है, और अब हम चलते हैं इस रेसिपी के पहले हिस्से की तरफ। तो चने जो है अब हम इसे मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो हम मिक्सी का एक जार ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, और इस चने को और इनमें मिक्स मत सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें दूध भी मिक्स कर सकते हो पानी की जगह, तो मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह दूध का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है, एक अलग सा फ्लेवर देता है और अलग सी सॉफ्टनेस भी होती है उसमें। तो दोस्तों हम मिक्सी में डाल के इसे पीस लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और इसे हम पीस लेंगे।
अगर ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसका एक दरदरा सा मिक्सचर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो फिर थोड़ा सा पीसने के बाद हम देख लेते हैं, मिक्सर हमारा काफ़ी पीस चुका है और इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं, 2 या 3 चम्मच के करीबन। आप चाहें तो पानी की जगह दूध भी इसमें डाल सकते हो। और इसे हम फिर से एक बार मिक्सी में चला लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने इसे फिर से मिक्सी में चला दिया, तो हमारी पेस्ट जो है बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, तो चलिए इसे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो रेसिपी के दोनों पार्ट तैयार हैं। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने तवा रखा है, तो जैसे ही तवा गर्म होता है उसमें हम तेल डाल देंगे। तो थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और इसमें हम डाल देंगे चने का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है। दोस्तों गैस की फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है ताकि ये धीरे धीरे तक अंदर तक पक सके। तो मैंने दोनों को इस तरीके से तवे पे फैला दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर तवे का साइज़ बड़ा है, और या फिर सिंगल भी आप डाल सकते हो। और इसके ऊपर हम डाल देंगे जो मिक्सचर हमने तैयार किया है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता बनकर तैयार होता है, और इसमें चने को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत ही फटाफट से आप इसे तैयार कर सकते हो और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होता है। और इसी तरीके से हम दूसरे वाले पे भी फैला देंगे। आप चाहे तो इस मिक्सचर को पहले भी तैयार करके रख सकते हो, और जब दिल करे आप जल्दी से तवे पे इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मीडियम टू लो फ्लेम करते हम इसे पका लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ी देर पकने के बाद जैसे ही नीचे का हिस्सा पक जाए तो इसे हम पलट देंगे। तो इसे कुछ देर लो फ्लेम पे इसी तरीके से पकने देते हैं। तो फ्रेंड 2-3 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पकने दिया है, और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी बन है। आप इसे ज़रूर बनाइए, बेहद स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो दोनों तरफ से हमने अच्छे से इसे पका लिया है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना है, आप इसे ज़रूर बनाएं। बेहद स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक नई और अलग रेसिपी है। आप चाहें तो इसे कम भी पका सकते हो, यानी कि अपने स्वाद के अनुसार क्रंची भी कर सकते हो या सॉफ्ट भी रहने दे सकते हो। तो दोस्तों चने का मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार है, तो चलिए इसे प्लेट में डाल के सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चने का मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में फिर से एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।